सिटी कम्यूटिंग आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी है, कंफर्ट है, ये आपको 50 प्लस का माइलेज देती है। तो आपको लगता हो क्वेश्चन कि इसके स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बट ये भी बहुत अच्छी बात है, स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं। बोलूं तो क्या ऐसी चीज है जिसको आप ना पसंद कर सकते हो? सबसे पहली चीज है इसके टायर्स। टायर्स आप देखते हो ट्रेड्स बहुत हाईवे पे जब आप निकल रहे हो तो जैसे ही आप 55 या 60 क्रॉस करते हो तो आपको वाइब्रेशन बहुत ज्यादा फील होती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू फिक्सिट। ये है बाइक कीवे एसआर 125 और इट हैज बीन अ रोलर कोस्टर ऑफ राइड्स को मेरे को लगभग साल हो गया है लिए हुए, तो आज मैं कुछ इसके बारे में ही बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओम, आप देख रहे हैं फिक्सिट, आपका वो चैनल जो आपको बाइक्स, कार्स और कस्टमाइजेशन के बारे में बताता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कीवे एसआर 125 के बारे में, जो बाइक मैंने एक साल पहले ली थी। तक मैं पूरा इसको रिव्यू कर रहा हूँ, ब्रूटल रिव्यू है। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, क्या ये अच्छी है, क्या लेनी चाहिए, क्या इसके प्रूज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, मैं सारे आपको बताऊंगा, बने रहें वीडियो के साथ। तो परफॉर्मेंस ऑन द रोड की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये अगर आप एक सिटी में चलाना चाहते हैं, सिटी कम्यूटिंग आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी है, कंफर्ट है, हैंडलिंग बहुत प्यारी है, सीट लेवल बहुत अच्छा है और आप इसको कहीं भी अच्छे से मनूवर कर सकते हैं। पर जहां बात आती है इसको हाईवे पे चलाने की, परफॉर्मेंस ऑन लॉन्ग रन घूमने के उसमें चलाना चाह रहे हो, तब आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आप सीट क्वालिटी देख रहे हो थोड़ी कम है, इतने अच्छा इसमें कुशन नहीं है तो आपको फील होता है। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे इसके डिजाइन और एस्थेटिक्स की। जैसा आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लुक इसको दिया हुआ है, स्पोर्टी वाइब आती है, कैफे लोस्टर लुक है इसका कुछ, और मेटल बॉडी बहुत अच्छी बनी हुई। तो मुझे इसमें डिजाइन में तो कोई दिक्कत लगी नहीं, जो जो पॉइंट इसमें मुझे लगे मैं आपको बताता हूँ आगे। बात करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी की, तो इट इज अ चैंप और ये अच्छा माइलेज देती है। 125 सीसी के अकॉर्डिंग ये आपको 50 प्लस का माइलेज देती है, तो आप उससे अंदाजा ला सकते हो कितनी अच्छी है। बात करते हैं हम बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी में आप देख सकते हैं कि ये बाइक बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है, मतलब आई एम सरप्राइज कि इस बजट में इन्होंने इस बाइक को इतना अच्छा बनाया हुआ है। सीट की मैंने बात की, मैं मानता हूँ सीट में इतना कुशन नहीं है, बट आप देख सकते हैं यहाँ मेटल है, ये मेटल है, थोड़ी थोड़ी जगह आप देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक का थोड़ा इसमें एक पार्ट लगाया हुआ है, अदरवाइज ये पूरी मेटल है, अच्छी क्वालिटी बनाई है। मैंने इसको पूरा चेक किया है कि कैफे रेसर एक्चुअल में है, जिसको ट्रेड्स दिए हुए एक्चुअल में वर्क करते हैं, उस अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। तो मैं इसको गड्ढों में भी ले गया, मैंने बहुत ऐसी जगह भी चलाया जहाँ नहीं चलानी चाहिए थी, ट्रैकिंग भी मैंने इससे करी, सो आई हैव नो कंप्लेंट्स विद दैट। अब बात करें अगर हम इसके मेंटेनेंस की, तो मुझे तो इनकी सर्विस अच्छी लगी है। कहने को आप कह सकते हो कि आपके एरिया में सर्विस सेंटर ना हो, मैं मानता हूँ कि सर्विस सेंटर की अवेलेबिलिटी दूसरी दूसरी जगह पे थोड़ी अलग हो सकती है, बट अगर इनकी सर्विस की बात करूँ, जो एम्प्लॉयज हैं वहाँ के बहुत अच्छे हैं। मैं मानता हूँ कि कम क्वांटिटीज में है तो आपको लगता हो क्वेश्चन कि इसके स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बट ये भी बहुत अच्छी बात है, स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं। मेरे को देहरादून में इसकी 4 साल की वारंटी मिली है, मे बी शायद जहाँ पे आप हो वारंटी डिफर कर सकती है। सबसे अच्छी बात, जो चीज़ खराब होती है वो रिप्लेस करके दे रहे हैं विद इन वारंटी, तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फ्रेंड्स अगर बात करें इसके कॉन्स की, अगर बोलूँ तो क्या ऐसी चीज़ है जिसको आप ना पसंद कर सकते हो? सबसे पहली चीज़ है इसके टायर्स। टायर्स आप देखते हो ट्रेड्स बहुत मोटे हैं, तो इनकी वजह से ये बरसात में छींटे मारती है, और दूसरा जैसे मैंने बताया कि ये प्लेन सड़क पे इनके ट्रेड्स फील होते हैं, जो वाइब्रेशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो वाइब्रेशंस कन्वर्ट होके विद इंजन वाइब्रेशंस मिलके बहुत बड़ी शेकी इसको बना देती है। दूसरे लोग कह सकते हैं कि इसका बजट बहुत ज़्यादा है, 125 सीसी के अकॉर्डिंग 1,20,000 तक मैं मानता हूँ बाइक से जाती है, बट उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसमें क्वालिटी भी दी हुई है, चीज़ें ऐड करी हुई है, इसीलिए ये इतनी थोड़ी एक्सपेंसिव है। बट अगेन वो आपके लिए कौन हो सकता है कि इसमें 125 सीसी के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा एक्सपेंसिव बनाया हुआ है। जैसे एक और चीज़ मैंने बताई, इसकी सीट की जो ये कुशनिंग है ये भी बड़ी जा सकती थी, जो इसके कॉन में आ रहा है। अब जैसे सीट के बारे में बात करें, जैसा आप देख सकते हैं ऑल्दो ये कैफे रोस्टर लुक है, बट अगर इसमें कंपनी अपना इनबिल्ट या फिर एक स्टॉक ग्रैब रेल होता है जिसको बंदा पीछे बैठ के पकड़ सकता है, वो भी होता तो वो भी बहुत अच्छी इसमें बात होती। अब एक और जो हम बात कर रहे हैं, इसमें कौन हो सकता है कि ये हाईवे पे जब आप निकल रहे हो तो जैसे ही आप 55 या 60 क्रॉस करते हो तो आपको वाइब्रेशन बहुत ज्यादा फील होती है, पर उसका मैं रीजन बता दें, टायर्स और इंजन के वाइब्रेशंस मिला के वो इसलिए कैसा इसका कौन हो सकता है। तो लेट्स गो टू द क्लोजिंग थॉट्स, क्या ये बाइक मैं आपको रिकमेंड करूं, शुड आई रिकमेंड इट टू, या फिर कौन इस बाइक को ले सकता है, लेना चाहता है? ऑल्दो सी जिसकी जैसी इच्छा है वो वैसा कर सकता है, बट अगर रिकमेंडेशन की बात है तो मैं आपको कहना चाहूंगा, जो सिटी में रहता है
जो डेली ऑफिस गोअर है, जो या फिर अपने बिजनेस पे जा रहा है, सिटी में रह रहा है, वो इस बाइक को ले सकता है, उसके लिए बहुत अच्छी है। बट जो एक फ्लॉलेस राइड चाह रहे हैं, जो लॉन्ग रूट्स पे जाना चाह रहे हैं, लॉन्ग राइड्स पे जाना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं रिकमेंड ना करूं बिकॉज ऑफ द कंडीशन जो मैंने आपको बताई। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और मेरे वीडियोज को फॉलो करें। Once a day that I would pray for you.